अरे भगवान, एक बात तो बता, हमें तो गर्मी में लू चाट गई, काले पड़ते जा रहे हैं, तेरा रंग निखार से बाहर आ, क्या बात है? क्यों तुम क्यों नजर लगा रहे हो? के बात है, मन्ने तो सज सवर के रहना पड़े, तारे जिसा का के पता, बाहर जाके मुंह मार लियो जिधर। अरे अब तुझे छोड़ के इस उम्र में कहाँ जाऊंगा बहरा? तेरा कुछ पता ना मुच्छड़। तुम भी कुछ भी। पिताजी, मैं खेत में जा रहा हूँ। बेटा, तने रोटी खाई के ना? हाँ खा ली। ठीक है। अरे फावड़ा तो ले जा, नाका का आए तो फेरेगा। अच्छा, आप देखे जल्दी आ जाइए। खेत में जा रहा है या कहीं और जा रहा? जा लिकट जा, बच्चे को तो छोड़ दो कुछ भी। फावड़ा ना ले जाओगा, काम का ऐसे करोगा खेत में? अंजलि, अंजलि बेटा, या तू मन्ने न्यू बता, कॉलेज जाओगी कि आड़े रहोगी? माँ तैयार हो रही थी, वैसे भी मेरा कॉलेज 10 बजे का है, बस जा रही हूँ। बता भाई, वो राजू ही ना छोड़ दिया था के? वो खेत को चला गया। तन्ने तो उसे खेत में भेजा है। अब चला गया तो कोई बात नहीं, राजू महारा है भी बहुत मेहनती, जब तक उसने पढ़ाई छोड़ी ना, सारा काम संभाल लिया, खेत क्यार का अपने आप करे सारा। ठीक कहो हो तुम, मेरा बेटा मेरे पे गया है और पढ़ाई छोड़ दी तो क्या हो गया, खेती में काम तो कर रहा है ना। माँ, पिताजी, आप लोग आपस में तो झगड़ो मत, मैं बालक ना हूँ, बड़ी होगी मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक से छोरी, तू जा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ ठीक है। पढ़ लिख के ना यू मिनिस्टर बनेगी, जैसी पढ़ रही पढ़ने दे। कितनी छोटी सोच रखे से, किसा बाप से तू? मैं तो पढ़ा लिखा के मेरी बेटी को ऑफिसर बनाऊंगी। अरे ठीक है, तू इसे SDM बना ली। लाली बेटी कैसी ध्यान से जावे, और फालतू बातों पे ध्यान ना दिए करते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान राख बस। माँ, आप पिताजी को समझाते क्यों ना हूँ, मैं बालक थोड़ी ना हूँ, बड़ी होगी अब, अच्छा बुरा सब समझू मैं। ए बेटी, इसे कौन समझावे, इसमें 52 बुद्धि है, यो अपने आप को बड़ा शाणा समझा। अरे मैं ठीक समझाऊं, बेटी को कोई काम ऐसा ना करना चाहिए जिससे माँ बाप की इज्जत पे आंच आवे। माँ, पिताजी, मैं लेट और लग रही हूँ, थाई लड़ाई में तो मैं लेट और हो जाऊंगी, जा रही हूँ मैं कॉलेज अब। हाँ जा बेटी जा, यो तो न्यू ही बोली जा है, कुछ भी अब तो झके कह दिया मन्ने। के कह दिया, छोरी नाराज होकर चली गई। अरे फिर चली तो गई, और छोरी तो नाराज है, तो नाराज ना है। अरे चुप हो जा बुढ़े, कुछ भी शर्म ही नहीं आवे। अरे बुढ़े हो चुके हो तुम, अब तो शर्म कर लो, बड़े बड़े बच्चे हो गए। अरे भाई मम्मी, शिवम भूख लग रही तुझे? हाँ भूख लग रही है, लग रही है। चल मम्मी से रोटी मंगाएंगे, नु कहिए जैसे जैसे मैं कहूँ ना ऐसे ऐसे कहिए। मम्मी रोटी ला दे, मम्मी रोटी ला दे, मम्मी रोटी ला दे, मम्मी रोटी ला दे, ए मम्मी रोटी लिया, ए मम्मी रोटी लिया, मम्मी रोटी ला दे, मम्मी रोटी ला दे, मम्मी रोटी ला दे, भूख लग रही है, मम्मी रोटी ला दे, भूख लग रही है। मजा आएगा देखिए। रोटी तो तुम खा लो दोनों, पर मुझे एक बात बता, ये तो बालक है और इसके साथ में तू भी बालक हो रहा, तू रोटी लेने ऊपर ना सके? हाँ हाँ, इसे खवा ले रोटी, मैं इसे यूं कह गया था बाग मुख चला जिए, मैं सारी आम भी तोड़ ली बालकन ने, इसे खवा ले रोटी तू। हाँ 2-4 किलो अगर तोड़ ली भी होंगी तो कौन सा बाग खाली होगा तुम्हारा, रोटी खा लेगा चला जाएगा। अरे चल बाग की तो छोड़, है भाई मैं तुझे नू कह गया था राजपाल से पैसे लिए, ये लिया तू? मैं गया था पैसे लेने, पहले तो रास्ते में बाइक खराब होगी और जब मैं वहां पहुंचा तो वो काम पे निकल गया। बहाने बना रहा, अरे मैं वहीं से ना आया पैसे लेकर, तड़की से घर ही ना वो। मुझे नहीं पता, आ गए वो बाद में, मैं तो गया था लेन। अब तुम शांति से रोटी खान दोगे ना? हवाले से रोटी, और रोटी चाहिए तो मुझे आवाज दे दियो। ठीक है मम्मी, लो खा ले। आज तो बचगा बेटे, नहीं तो बप्पू तेरी हीक सी भर देता। हाँ चल रोटी खा ले। राज बाइक ने लाया यार, बाइक खराब होगी। खराब होगी कैसे? पता ना भाई, चलना रही हो चलना रही। अरे तो चला भी कम है उसे, पूरे दिन बुकिया से ही बनाए रखे है बाकी।
राज के बना रही है तू चावल लेके बैठ गई? आज मैं बनाऊंगी राजमा चावल। राजमा? रे राजमा मैं ना खाता, मेरे तो गैस बनावे राजमा। कम खा लिए तन्ना कण कही है कि तू पेट भर के खा लिए। दाल ना बनावे रे? ना राजमा ही बनेंगे। फिर तो एक काम करिए, मुझे तो तन से शक्कर घेर के दे दिए चावल और घी घेर दिए थोड़ा सा ऊपर से। घी घेर दिए बड़ा हलचल लगा तू। रे राजमा ना खाता मैं, राजमा मेरा गैस बनावे और सारी रात पेट में घुरड़ी घुरड़ रहे। ठीक से बाबा ठीक, दाल बना दूंगी और तू शक्कर तभी खा लिए। अरे तू सुनाएगे, मैंने कहा था अब मेरी अंजलि अब शानी होगी, इसका ब्याह भी करना है, अब का फसल भी ठीक ठाक हुई है, मैं सोच रहा अब के ब्याह दें से। बात तो तू ठीक कह रहा सा, लेकिन छोरी की पढ़ाई भी तो पूरी ना हुई से, की तावड़ से ब्याह की कर लेंगे। अरे पढ़ाई तो ब्याह हुई है, पीछे भी हो जा, अगले घर जा पड़ेगी। एक बात बता तू, अगला ना पढ़ाऊं जिद के करेगा और छोरी का मन से पढ़ में। अरे भतेरी पढ़ ली, अब छोरी के हाथ पीड़े करके और हम भी गंगा जी ना जाएंगे। चलो ठीक से, रिश्ता कर भी दिया, मारी रिश्तेदारी में कोई सा अच्छा छोरा ना से जो हमारी छोरी का ब्याह कर दिया। अरे है तो प्रकाश बिचोलिया, वो बढ़िया ताल लगावे रिश्ते नातों की, उसने प्रेमपाल का भी ब्याह उसने करवाया और रिंकू का भी ब्याह उसने करवाया, वो हमारी अंजलि की सही ताल लगाओगा कहीं। चल ठीक सर, एक काम कर, उसे बुला ले कल या परसों, और हाँ एक बार अंजलि से तो बात कर लेते। अरे हो रही अंजलि से बात, वो भला हमारी बात करेगी के? जा अब तू खाना बना ले, भूख लग रही बहुत जोर की। ठीक सर बना रही सु। मैं भी आ रहा हूँ, इतना नहाए गए। अंजलि यार बात तो सुन। क्या हो गया यार उमेश, अंजलि से तो बात क्यों ना करनी? पता नहीं यार क्या बात होगी, नाराज हो रही है। आज मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया, पता ना क्या बात होगी, फिर मना करके चलेगी। तू तेरे से प्यार ना करती है? पता ना यार। अच्छा वो कहीं सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने से डरता ना रही? पता ना यार क्या बात है, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा, समझ में ना रही क्या करूं। मेरे दौरे का आइडिया। आइडिया? बता भाई क्या आइडिया। मेरे दौरे का आइडिया जिससे वो खुदा का नू बोलेगी कि उमेश मैं तुमसे प्यार करूं। अच्छा भाई आ बताऊं। लेकिन भाई कोमल मान जाएगी इस बात को? भाई कोमल की जिम्मेदारी मेरी। फिर ठीक है भाई, चल तो फिर चल। अरे वो अमृता मैडम ही ना, वो बहुत अच्छी यार वैसे तो। अमृता मैडम उसकी पढ़ाई आए है, एक एक शब्द ऐसा समझ में आ जा जो पढ़ा हुआ वही आ जा दिमाग में। अमृता मैडम समझ में आई, अंजलि समझ में आई? अरे नहीं यार अंजलि तो ये रही ना। ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप बैठे रहो। हेलो। हेलो क्या कर रहे हो? छाँव में बैठा हूँ। एक बात तो है, कॉलेज से आने के बाद ना मेरा मन नहीं लगता। क्यों? कॉलेज में तो आप मेरे सामने रहते हो, मेरा ऐसा मन करता है बस मैं आपको देखती रहूँ। तो खुश तो है ना? हाँ खुश तो हूँ, पर क्या? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आगे आप लाइफ में क्या करोगे, जॉब करोगे या बिजनेस? इतने आगे की ना सोचता मैं, जो फिलहाल चल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, माँ और पिताजी हमारे रिश्ते को मानेंगे नहीं अगर तुम कुछ नहीं करोगे। हाँ एक रास्ता तो है, अगर तुम सरकारी नौकरी ले लो तो मैं माँ पिताजी को खुद मना लूंगी। अरे सब सही हो जाएगा, तू हमेशा आगे की सोचती रहे वे। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, लगता है कोई आ रहा है। कोई आ गया? हेलो हेलो हेलो। अरे ले भाई काट दिया फोन। चले एक बार बाग में चक्कर समा रही हूँ, कोई आम भी तो ना तोड़ रहा। अरे अरे तू किसका रे? अरे थमिए रे। अरे
पता नहीं यार उमेश कहाँ रह गया। वो फिर होगी आया ना। तेरा क्या हाल है भाई? आज जनाब इतने लेट कैसे हो गए? अरे यार क्या बताऊँ, मेरे घर वाले हैं ना, उन्हें कॉलेज के टाइम पे याद आ गया, इस काम कर ले कभी उस काम कर ले, मेरे तो सिर में दर्द हो कर रहे हैं सुबेरी सुबेरी। अच्छा तो ये बात है। अरे भाई खड़े रहोगे या कॉलेज को भी चलोगे? हाँ चलो भाई। अरे यार मेरी बात तो सुन, पहले तू कॉलर छोड़। ना छोड़ दूं? अरे छोड़ तो सही यार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे सुन तो सही यार मेरी बात तो सुन। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, छोड़। ये मजाक थी? ऐसी मजाक ना मुझसे कभी मत करना। तुम्हारी इस मजाक के ऊपर मेरे दिल पे क्या बीती ना ये मुझे ही पता। अरे यार तो समझ क्यों नहीं रही, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये अमन का आइडिया था कि कोमल के साथ में फ्लर्ट करना है मुझे। चाहे यू आइडिया किसी का भी सही, लेकिन मेरे सिवा किसी और लड़की को देख मत लियो, ना तो मुझसे बुरा कोई ना होने का, समझ गए? ठीक है बाबा अब तो माफ कर दो, गलती होगी। हाँ हाँ चलो ठीक है, अब हाथ नीचे कर लो। अब मुझे ये बताओ अपने मम्मी पापा से कब मिला रहे हो मुझे? अरे मेरी जान तुझे मम्मी पापा से भी मिलवा दूंगा, पहले पढ़ाई तो पूरी होने दे। अगर पढ़ाई पूरी होने से पहले मेरे मम्मी पापा ने कहीं रिश्ता तय कर दिया फिर? अरे यार तो समझ नहीं रही, ये हमारी मौज मस्ती का टाइम है, इस गाड़ी को ऐसे चलन दे, अरे तो ब्याह के बाद कहे, ब्याह के बाद आदमी ऐसी हो जा फिर घर गृहस्थी में रह जा। अच्छा बड़े ज्ञानी हो रहे हो तुम। हाँ जब कल को हमारे बच्चे हो जाएंगे ना, जब तू उन्हें बता करिए हमारी कहानी कि हम कैसे कैसे घुमा करिए। हाँ हाँ ठीक है, लंच टाइम खत्म हो गया है, कभी ऐसा ना हो कॉलेज वाले हमारी कहानी बता दे घर वालों को। बता देंगे तो बता लेने दे, तू नहीं तो चाहे तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, घर वाले ने बता देंगे कॉलेज वाले। बस मजाक सोचती रहा हर वक्त, कभी सीरियस मत ले ली हमारे रिश्ते को, अब ऐसा है चलो जल्दी बहुत देर हो ली। चलो लो पिताजी। आजा बेटी बैठ तू भी खा ले। ना पिताजी आप खाओ, फिर आपको रोटी लाके कौन देगा? आ जाएगी रोटी भी कोई बात ना, तेरी माँ ला देगी, बैठ जा खा ले। पिताजी आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। ले मेरे हाथ से खा ले बेटी। लो पिताजी। अच्छा बेटा मैं घूम ही आऊं थोड़ा सा। ठीक है। लो जी प्रकाश जी चाय नाश्ता लो जी। अरे भाई साहब आप भी लो ना। हाँ दे रे आप भी लो और भाभी जी को दो। देखो जी
मारी छोरी है पढ़ी लिखी, हमने परिवार भी भला पढ़ा लिखा चाहिए। अरे भाभी जी, ये मेरे बाल धूप में न उड़े, भाभी गांव में मैंने 100 रिश्ते करा दिए, मेरा नाम प्रकाश है। अरे भाई तेरा नाम प्रकाश है, जबी तो तुझे बुलाया, और मारी छोरी के लिए ऐसा रिश्ता बता जो बहुत ही सज्जन और खानदानी घर हो और पढ़ा लिखा परिवार हो और लड़का भी कहीं जॉब करता हो। रिश्ता तो है जी, परिवार भी पढ़ा लिखा है, लौंडे की रेलवे में नौकरी है। अरे कौन से गांव में है? गांव है बुढ़ाना। तुम ये बताओ, बात आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी? बात तो हम जब आगे बढ़ाऊंगा ना भाई साहब, जब तुम लड़के की फोटो दिखाओगे। हाँ जी लो फोटो दिखाऊं, फोटो तो मैं गैली लाया हूँ, ये देखो लो। ले भैया देख, लो जी, लड़का तो ठीक से है ना, बढ़िया लौंडा, बढ़िया। लो 100 में 1 है भाई। छोरा तो ठीक है, पसंद भी आ गया, पर यूं बता जैसे उसकी सरकारी नौकरी है, उनकी कोई मांग तांग तो ना है? देखो जी, सरकारी नौकरी वाले मांगे तो हैं, लेकिन थोड़ा कैश उनके कम करा दूंगा। अरे यूं के हम बोल दें या हमारे हाथ पांव ठीक रहे, मांग भी पूरी कर देंगे। कदे मारी छोरी ने बहुत दुखी करे बाद में। हाँ इस बात को देख लिए ना जी। ना कोई दुखी ना करे, या जिम्मेदारी मारी है, और ये मेरे बाल नूई ना उड़ ले। मैंने तुम्हें लड़का तो दिखा दिया, अब तुम अपनी एक बार लड़की भी दिखा देते। लो जी ये आ गई मारी छोरी। राम राम बेटा। छोरी तो थारी लाखों में एक है जी, तुम ये बताओ छोरा देखन कब चल लो? अरे भाई प्रकाश, तू एक बार लड़के वालों से बात कर लिए, और लड़के की किस दिन छुट्टी रहे, जब को वह कहेंगे तू हमें बता दिया, हम चल पड़ेंगे। ठीक है जी, मैं चलूं, मैं लड़कों वाले से बात करके आपको बता दूंगा। अच्छा राम राम। राम। अरे सुनाएगा राजू की माँ, देख लड़का तो देखते मेरी समझ में आगा फोटो में। तो अब करना क्या है? करना तो भाई एक बार देख ले, हम उनके यहाँ जाके घर परिवार देखेंगे, उन लोगों की आदत का भी पता लगेगा, जैसा लड़का है नौकरी है, हो सके हमारी लड़की वहाँ खुशहाल रहे। क्यों राजू तेरी कैसी सलाह? जैसे पिताजी जैसे तुम करो ऐसे ठीक है। बेटा छोरे की फोटो तो तने देख ली, छोरा तो सोना है। हाँ, देख ली। तेरे समझ में आ गई? हाँ, मेरे को तो सही लगा। ठीक है बेटा, ठीक है जी। बस ठीक है तो पेमेंट में कटवाई ले, और अब ब्याह की तैयारी करें। ठीक है जी, उसका फोन तो हमें दो। हाँ उसका फोन आ जाऊ तो देखे हमें, और फिर लगे बल्ले का राम का नाम। ठीक है जी, बिल्कुल। अंजलि क्या कर रही है? दिख ना रहा तुझे? पेड़ों में पानी डाल रही हूँ। अच्छा बहन, आज तो बहुत खुशी की बात है। भाई ऐसी क्या बात है, मुझे भी तो बता। बहन आज तेरा रिश्ता आया, यो देख लड़के का फोटो। रिश्ता? कैसा रिश्ता और कौन सा रिश्ता? पागल इतने अच्छे घर से रिश्ता आया, तू ऐसे कैसे बोल लिए? तू भी सुन ले मेरी बात, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएगी ना, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। और ये बात ना तू माँ और पिताजी से भी बोल दियो, समझ गया? मेरी बात तो सुन। अंजलि। हेलो। हेलो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। क्या बात होगी, इतनी क्यों परेशान है? पहले तुम मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ पर? बाग में हूँ मैं तो। ठीक है मैं आ रही हूँ। पता नहीं भाई क्या बात होगी। ब्याह की बात सुनकर तो सब खुश होंगे, यू टेंशन में पता ना कहाँ चली गई, देखता हूँ।
ले पानी पी ले। मैं ना पी रही पानी वाली। क्या बात है, क्यों उदास हो रही है? कुछ ना, मेरे सर में दर्द हो रहा। ला मैं दवा दूं तेरे सिर में दर्द हो रहा तो? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उमेश तुम कब सुधरोगे? यहाँ तो मेरा टेंशन के मारे सर फटा जा रहा और तुम्हें मजाक की सूझ रही है अब भी। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि तेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा और तू फोन पे भी परेशान थी। आज सवेरे मेरे घर पे मेरे रिश्ते वाले आए थे, मैंने तो साफ मना कर दी कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होने की ना मैं शादी बिल्कुल नहीं करने की। रिश्ते वाले? इतनी बात होगी और तू मुझे अब बता रही है? तो सारी बात फोन पे बताती क्या मैं? मिल के तो बताऊंगी। रिश्ते वाले आए तो हैं, पक्का तो नहीं हुआ? बात पक्की समझो, घर वालों को तो वो लड़का बहुत पसंद है। यार ये तो टेंशन की बात है। मैं तुम्हें रोज इसलिए तो समझाती थी कि कुछ कर लो कर लो, पता ना कब क्या हो जा। फिर अब ऐसे में कुछ कर भी तो नहीं सकते, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। क्या करने की सोच रहे तुम? करना क्या है, भाग चलेंगे। भाग के हम करेंगे भी तो क्या, ना तुम्हारे पास पैसा और ना नौकरी। नौकरी भी कर ही लेंगे। ऐसे हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तुम एक काम करो, अपनी नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करके देखो, क्या पता तुम्हारी नौकरी लग जाए, फिर देखते हैं। अब तू नू भी तो कह रही है कि घर वालों को रिश्ता पसंद आ रहा। अभी लड़का देखा ही तो है, शादी में तो बहुत टाइम लगता है, और कौन सा एकदम होगी शादी मेरी। अगर इस बीच में तुम्हारी नौकरी लग गई तो मैं घर तो बात कर लूंगी, और हाँ मुझे पक्का पता है फिर पिताजी भी मान जाएंगे हमारी शादी के लिए। मुझे तो लगता नहीं मान जाएंगे। अगर तुम्हारी नौकरी लग गई तो हमारी शादी होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने की। तुम्हारी और मेरी कास्ट भी एक है, और वैसे भी तुम्हारे पास कमी ही क्या है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, जमीन जायदाद क्या कमी है तुम्हारे पास। अब क्यों परेशान हो रही है तू? ले पानी पी। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जल्दी जल्दी नौकरी देखो। शर्म लिहाज नहीं रही बिल्कुल भी। माँ, पिताजी, माँ, पिताजी बाहर आओ। देख के पागल पड़े यो। तेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारूंगी, तू छोरी को क्यों फेंक रहा है? यू इसी लायक है? अरे ऐसा क्या हो गया, कुछ बात भी हुई होगी, बताओगा कि ना? बात तो इससे ही पूछो। अरे ओए, तू यहाँ मोहल्ले वालों को तमाशा तो दिखाओ मत ना, चल भीतर भीतर बात करेंगे। ए छोरी फोन दे। तेरे तो ना मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। अरे मैं तो तेरे बापू तो लड़ाई करके तो ना बहुत बड़ी ऑफिसर बनाना चाहूं थी, और तू तू तुम्हारी नाक कटवाने पे तुली हुई है। अरे इसको बोलते क्यों ना तुम? लाली तेरे माँ बाप की आजादी का यू नतीजा दिया? हम तो तुझे कुछ और बनाना चाह रहे, पर तन्ने तो बिल्कुल हद कर दी। हमें न्यू पता नहीं था तो मारी छोरी भी अच्छी गिर जाएगी। तुम ना इससे क्या मीठी मीठी बात करो सो, इसके कान पर जी तो ऐसा करा मैं इसका मुंह तोड़ दूं। एक काम कर, ये बार भी जाना तो इसके सेफ्टी जाइए, और ना तो इसके जाने की कोई जरूरत ना, आज के बाद तू घर का काम करेगी सारा, ठीक से? हाँ माँ तू सही कह रही है, आज से इसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद। तू रखड़ियों के मुंह के देखे हमारा भीतर मर जा। और तू जो वो आया था ना बिचौलिया, उस बिचौलिए से बात कर ले, जल्दी से जल्दी इसकी राइंड काट दे। ठीक कह रही है, अब तो करना ही पड़ेगा। तेरे तो लाड प्यार ने बिगाड़ रखी से या?
हेलो क्या हुआ, क्यों रो रही है? बात तो बता। अच्छा पहले चुप हो जाओ। अरे यार पहले चुप तो हो, बात बता क्या बात है। माँ और पिताजी ने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अच्छा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर अब क्या करना? कुछ भी करो, मुझे यहाँ से लेके जाओ। क्या करूँ? एक रास्ता है। बता तो क्या रास्ता। हम दोनों घर से भाग जाएंगे। क्या? हाँ यही रास्ता है। तू तो इस बात के खिलाफ थी। मैं सही कह रही हूँ उमेश, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अंजलि तू पागल तो नहीं होगी? फिर तुम बता दो और क्या सही रास्ता है। ऐसा करना ठीक होगा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, पर हम ये सब करेंगे कैसे? हम दोनों कॉलेज के लिए तैयार तो होंगे, लेकिन कल कॉलेज नहीं जाएंगे। कल सुबह तुम मेरे गांव के गेट के बाहर मिलना। हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। पर तुम कल आओगे कैसे? तुम्हारा तो घर से निकलना बंद कर दिया। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मेरा काम है। मैं कैसे भी कर कल सुबह आ जाऊंगी। ठीक है मैं मिल जाऊंगा। बेटा खड़ी, बेटी खड़ी हो। ये मेरा बेटा, शाबाश। ले बेटा रोटी खा, खा ले बेटा, खा ले, नाराज ना हो बेटा। मेरा मन ना है। खा ले बेटी, बिना खाए काम ना चलता। माँ बाप का फर्ज हो औलाद को धमकाने का भी और समझाने का भी। पिताजी मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना बस। ना बेटी ऐसा ना बोलते, यू काम चल जाएगा बिना खायो। खा ले ना मेरी बेटी कैसी। अंजलि बेटा आज तुझे एक बात बताऊं, ये जो जिंदगी है ना, इसमें सब कुछ दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ में खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। देख कितना लाडा हुई छोरी का, दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं दोनों। ये जिंदगी की डोर इतनी नाजुक होती है कि टूट कर कभी नहीं जुड़ती, सिर्फ गांठ पड़ जाती है। रहीम दास ने भी कहा है, रहीमन धागे प्रेम के, टूटे तो गांठ पड़ जाए। ले खा ले बेटा।
अंजलि बेटा, आज तुझे एक बात बताऊं, ये जो जिंदगी है ना, इसमें सब कुछ दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ में खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। ये जिंदगी की डोर इतनी नाजुक होती है कि टूट कर कभी नहीं जुड़ती, सिर्फ गांठ पड़ जाती है। रहीम दास ने भी कहा है, रहीमन धागे प्रेम के, टूटे तो गांठ पड़ जाए। कल सुबह तुम मेरे गांव के गेट के बाहर मिलना, हम दोनों यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। ठीक है, मैं मिल जाऊंगा। माने गेट भी बंद ना करे, नहीं सोगी। जा है तू, तेरे तो मना मना करी है, कहीं भी ना जाना, घर पर है। माँ मेरी पढ़ाई भी तो है और मेरे पेपर भी आने वाले हैं। हमने ना करानी तेरे तो पढ़ाई ना, कॉलेज से मत रोक कैसे, जान दे ना तो लोग न्यू कहेंगे, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, चलो इंडिया रोक ली पढ़ाई थे। हाँ एक काम करना, इसे राजू को भेज दे और वो ही लेकर जाऊंगा और वो ही ले आऊंगा रोज, ठीक है? ठीक है, मैं आपकी जिम्मेवारी पे भेज रही हूँ, कल न कुछ ऊंच नीच होगी ना तो मुझे ना कहिए। राजू, अरे राजू। हाँ पिताजी। नीचे को आ जल्दी। बेटा एक काम कर, अंजलि को कॉलेज छोड़ कर और इसे वहां छोड़कर वापिस आइए, काम भी करना है क्या, और फिर छुट्टी के टाइम पे जाइए फिर लेकर आइए, तेरी जिम्मेदारी का काम है रोज का, ठीक है? ठीक कहा तेरा पिताजी, ले जाइए इसे। चलो
या तने भेज तो दी, देख लिए कदे कॉलेज ते कदे इन भी न हो जा। अरे तिंगे तिंगे कैसे हो जागी, यो जाए नहीं रहा क्या गेल? कहीं नहीं जाना, मुझे वापस घर जाना है अपने। क्यों? नहीं मुझे घर जाना है बस। नीलू क्या कह रही हो तुम, तुम्हें पता है? हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ, मुझे घर जाना है। तुम पागल तो नहीं हो अंजलि? घर से भागने का आइडिया तुम्हारा था, मेरा नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अपने घर जाना है बस। ये क्या कह रही हो अंजलि तुम? हाँ मैंने सही कहा, मुझे घर जाना है। यार ये नहीं हो सकता, बताओ हम घर से भाग के आए हैं, कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। मैं नहीं जा रहा कहीं भी, तुम्हें जाना है चले जाओ। अंजलि अपने कपड़े तो लाइयो ना तुम। हाँ सब कपड़े लाई, बैग में ही है। चलो अगले बस स्टैंड पर कपड़े चेंज कर लेंगे। ठीक है। अब ना देना अभी को। अंजलि बस स्टैंड पर कपड़े चेंज कर रहे थे, वहाँ कुछ छोटा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं छोटा, सारा सामान धर लिया मैंने सही से। सही से चेक कर लिया ना? हाँ। चलो ठीक है। ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, ये मेरा गांव है। गांव? हाँ। तुम तो ये कह रहे थे कि हम कहीं दूर जाएंगे और तुम तो मुझे अपने गांव में ही लिया है। अब दूर हम कहाँ जाएंगे, एक बार घर चल के देखते हैं, क्या पता मम्मी पापा मान जाए। मुझे तो लगता नहीं है वो मान जाएंगे, ऐसा ना हो कभी मुझे वापस वो घर ही भेज दें और मैं अब घर कैसे जाऊँगी, घर तो मैं जा नहीं सकती अब। ज़्यादा टेंशन मत ले, एक बार चल के देख रहे हैं। मेरा मन सा तो मान नहीं रहा। अरे तू एक बार चल तो सही, आजा। सर पे चुन्नी रख ले, घर आने वाला हो रहा। गर्मी बहुत हो रही है आज तो। अंजलि अंजलि बेटा एक गिलास पानी ले ये। आ गए तुम? हाँ आ गया। ये लो पानी। अरे अंजलि आई ना कॉलेज जावे? ना इब तक तो ना आई है। क्यों राजू गया ना उसे लेने? राजू को भी भेज रखा है, अब तक वो भी ना आया। अरे कॉलेज की छुट्टी हुई तो कई घंटे हो लिए, जो कड़ा काम हो गया भाई। यो आ गया राजू। वो किच्चर है आई ना? अरे कैसे चुपचाप बैठा, कुछ बतावा जो। मैं तो गया था उसे लेने के लिए, मैंने तो सारे में ढूंढ ली मुझे ना मिली। मैंने कही थी ना तेरे ते अंजलि को कॉलेज ना भेजे, देख ले अब नतीजा। अरे कोई बात ना आ जागी, अपनी किसी सहेली के द्वारा चली गई होगी। जा रहा लाला देख कर लिया उसे। देख आया पिताजी, मैं उसकी सहेली के घर भी, मुझे ना मिली। की घरा ना मिली? के बात है, ठीक तो सह ना तू?
के ठीक रहना। इस छोरी ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ दिया। अरे तू जा ढूंढ के ला उस करमजली को, खाम मर्गी पता ना। चल मैं देखता हूँ। मैं चल, मैं भी चल रहा हूँ। तुम पिताजी आराम करो, लेट जाओ। चलो मैं खुद देख लूंगा। ठीक है बेटा, बताना। तुम एक काम करो, लेट जाओ। इस छोरी ने तो हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ दिया। मैं तो गया था छोरे वालों के यहाँ, रिश्ता पक्का करिया, और उन्होंने दिन धर दिया चुवार का, गोद भरना है वे। बताओ कहाँ मुंह दिखाओगे हम? अरे आज तो सोमवार ही हुआ है, एतवार का अभी एक हफ्ता बाकी है। कोई बात ना है, जब तक उसको कहीं कहीं से ढूंढ लेंगे। क्या कह रहा तू? दिखाइए कौन। अरे कौन है यो? किसको लेकर आया तू यहाँ? मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे कौन है यो? बोलता क्यों ना है तू? माँ ये वो रखिए। मैं मुंह कर रहा, साहब कैसे ना बोलता। पिताजी ये अंजलि है, ये मेरे साथ अपना घर छोड़ कर आई है। इसका मतलब तो इस छोरी को भगा के ले गया। ए छोरी, तुझे तनक पे शर्म लिहाज नहीं आई? तू अपने माँ बाप को कैसे छोड़ कर आगी? पिताजी ये अपनी मर्जी से नहीं आई, इसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। उमेश बेटा, मुझे तुझसे यूं उम्मीद नहीं कि तू मुझे यूं दिन दिखाएगा। ये लाड़ प्यार जो मैंने तुझे लड़ाए है ना, इसलिए लड़ाए थे। राम खोर लिखर जो मेरी आँख खोल के से लिखर जो मेरी आँख खोल के से तुझे इतनी शर्म नहीं आई? तुमने एक परिवार नहीं दो दो परिवारों की मट्टी पलीत कर दी, और आज के बाद मुझे इस गांव के और धोरे भी मत दिखाई दे देना, तो काट दूंगा। देख लो मैंने आपसे कहा था ना, वो नहीं मानेंगे। देखते हैं कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालेंगे। अब कहाँ जाएंगे हम? एक जगह है वैसे, चलो देखते हैं। हाँ जी, क्या काम है? नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या हमें 2 दिन के लिए किराए पर कमरा मिल जाएगा? आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम उमेश है, ये अंजलि है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तुम घर से भाग का आए हो? हाँ जी। 1000 रुपए दिन के लगेंगे। क्या 1000 रुपए? 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। काम भी तो खतरे का। ठीक है ठीक है, हम 1000 रुपए दिन के दे देंगे। लो जी 1000 एडवांस। कमरा ऊपर का है? ऊपर का, चलो देखेंगे। चलो जी। अब तो मोनू हनीमून बना के आएगी। ना ना, तुम तो सुद्धा बालक बोर्ड में लेकर आओगी। बात हो नहीं चला दो। हाँ मम्मी,
मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और घर में कुछ बनाने को भी नहीं है। तुम एक काम करो, पिज्जा ऑर्डर कर लो। पिज्जा? तेरा दिमाग तो खराब ना, या खाने को जहर के लिए पैसे ना है तो कह रहे पिज्जा? दो दिन के लिए पैसे ही गए, सारे खत्म हो लिए। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? फिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? तू हर बात का इल्जाम मेरे ऊपर क्यों डाल दे? हम घर से भाग के आए हैं, कोई 5-स्टार होटल में हनीमून मनाने ना आए। अच्छा, अब धीरे धीरे तुम्हारा रंग सारा सामने आने लग रहा। रंग? जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं? ऐसे ऐसे मरा के लाऊं मैं? ये तो तुम मेरा सीधा सीधा फायदा उठाना चाह रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार की थी कि घर वापस चलो, घर वापस चलो, तुमने मेरी एक न सुनी। ज्यादा बकवास करेगी ना तो एक धुआं खींच के नहीं है। जब तुझे ऐसा और आराम चाहिए थे तो मेरे साथ क्यों भाग के आई तू? यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, जो तुम्हारे साथ भाग के आ गई। गलती तो मैंने कर दी जो तेरे से प्यार करा, तेरी वजह से आज मेरे घर वाले ने बाहर निकाल दिया घर से। ठीक है, मेरी वजह से? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे घर छोड़ के वापस। तुझे जहाँ जाना वहाँ जा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब क्यों जिम्मेदारी लोगे, जब तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। सब कुछ छोड़ के आ जा, मैं तेरे साथ दूंगा, तुझे अपनी गैल लेके चलूंगा, नौकरी लगा लूंगा। अब क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे घर छोड़ जाओ। मेरी जिंदगी खराब कर दी ना, मैं अपने घर की रही ना बाहर की रही, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर छोड़ गया। ये घर जानू कह रही है ना, चलो एक काम करता हूँ, इससे पीछे छुड़ा लेता हूँ। चल अंजलि यार, चुप हो जा, चल मुझे माफ कर दे, गलती होगी मुझसे। तू नू बता, तू चाहेगा कि है? चुप तो हो, हाँ से पूछ पहले, बता। मुझे अपने घर जाना है। घर जाना? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। अरे मैंने तो यार सुना भाई कि इसका लड़की का चक्कर उससे चल रहा था, अरवा की गैली भाग गई। तू के ना मरा गया है, नेता बना जावा है, ये बना अपनी लौंडे का लट्टनी। उत्तर नदी नाले में डूब के मर जा। बलबीर जा रहा है? हाँ है? ये तो वही बलबीर है जिसकी लौंडिया भाग गई, और देख ले भी मूछ नीचे ना हो रही। मां भूख लग रही है, कुछ बनाया ना बनाया? हाँ बेटा, मैंने खाना बना दिया है, जाकर ले ले खाना। अच्छा, मत ने खा ली रोटी? बेटा तू खा ले, मुझे भूख ना लग रही। माँ कुछ तो खा ले, मुझे पता तेने सुबह से कुछ ना खाया होएगा। ना बेटा, मुझे भूख ना है, तू खा ले। अरे मैंने तो यार सुना भाई कि इसका लड़की का चक्कर उससे चल रहा था, अरवा की गैली भाग गई। तू के ना मरा गया है, नेता बना जावा है, ये बना अपनी लौंडे का लट्टनी। ये तो वही बलबीर है जिसकी लौंडिया भाग गई, और देख ले भी मूछ नीचे ना हो रही। बेटा रोटी खा के तेरे पिताजी से भी पूछ लिए। ठीक है मां, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, 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 गेट खोलो, क्या करते रह गए?
माँ, अरे माँ, पिताजी गेट ना खोल ले। गेट ना खोल रहे? हाँ, पिताजी, पिताजी। राजू के पापा गेट खोलो। बेटा एक काम कर, गेट तोड़ दे। अच्छा। हाँ। तेरे बापू ने रोटी दे दी। भाभी मेरा क्या हो गया? रोटी दे दे बेटा, जाके देख ले खाई के ना रोटी। राजू बेटा तेरे बापू ने रोटी खाई के ना, देख ले बेटा। मेरी माँ कैसा करेगी अब अकेली? पिताजी तुझे क्या होगा? मेरी अंजलि की शादी है, मेरी अंजलि की शादी है। राजू के पापा आएंगे, खाना दूंगी उनको, खाना भी दूंगी, खाना खाएंगे वो। सारा सामान मेरे घर पर ले जाऊंगी मैं, सारा सामान। यो राजू ने सारा बिखेर दिया। मैं सारा सामान खरीदूंगी, ये अंजलि का। घर लेके जाऊंगी। मेरा सामान कहाँ गया? मेरा सामान कहाँ गया? सामान, सामान, मेरा सामान। माँ, यह मिल गई। क्या कर रही? यह मिल गई। गांव में ढूंढ आया। मैं पेप्सी भी खरीदूंगी। अरे मेरे अंजलि के ब्याह में तेरे बापू को खाना दूंगी। हैं? हाँ हाँ। चलो खड़ी हो। मेरे को और सामान खरीदना है, हैं? सामान खरीद के। अरे नहीं छोड़ो, बंदा ये खड़े हो यहाँ से। हाँ खड़ी हो। अरे तू मेरे को सारा सामान खरीद लेने दे। अरे ना, राजू के लिए मैंने कपड़ा नहीं खरीदा अभी, तू रुक जा, मैं थोड़ा सा राजू के लिए ले लूं। अरे दे मेरा सामान तो लेने दे। हाँ
मेरा सामान रह गया। अरे छोड़ो इन्हें, अरे दे हैं ये। मेरा सामान रह गया, तू फेंक क्यों रहा है? मेरी अंजलि का ब्याह है। गंदे हैं ये। अरे मेरे राजू के लिए भी खरीदना है मुझे सामान। चलो, राजू मैं ही तो हूँ, क्या खरीद रहे हो? मैं खुद खरीद लूंगा, छोड़ो ना। अरे मेरे राजू के लिए कपड़ा खरीदना है। मुझे लगा बस तो अभी आने वाले, टाइम लगता दिखे अभी तो आने में। चल मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा, अभी अभी आ रहा हूँ। और मैडम किसका इंतजार कर रही हो? तुझे क्या मतलब? और मुझसे क्यों पूछ रहे तुम ये? नहीं बता गया हो, किसका बताओगे? परेशानी तो तुझे होगी। चलो अब तुझे क्या बताऊं, दोनों घरों की मट्टी पलीत होगी है। होंगे वो लोंडिया वाले परेशान होंगे, अरे हम परेशान हो रहे हैं। हैं? अब देखो पूरे गांव में तो ये होएगा कि नाक तो हमारी कट ही गई। अरे वो भी मैंने चौका समझे, उल्टा भेज दिए वो। चलो उसके लोंडिया को तो छोड़ जाओ, वो नालायक। अरे दो आदमी मेरे पीछे लग रहे हैं। ये तो वही लड़की है अंजलि। अंजलि क्या हुआ बेटा? मेरे पीछे दो लड़के लग रहे हैं। फिर उमेश कहाँ है? उमेश और मैं घर से साथ निकले थे, उन्होंने बोला मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। फिर चौक पे हम दोनों सामान लेके अपना खड़े थे, बोलने लगे मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे 4-5 घंटे हो गए उनका इंतजार करते करते, वो नहीं आए। फिर ये दो लड़के मुझे वहाँ छेड़ने लगे तो मैं भागती भागती आई फिर। अरे उत्ते कैसा नाश करता फिर रहा हूँ, इसने तो हमारा नाम बिल्कुल ही डुबा दिया। दो लड़के? कौन से दो लड़के? अच्छा ये, अरे क्या बात है? बात करते बुड्ढे, ये मारा माल है। अरे साले माल बता रहा, माल बता रहा, माल बता रहा, माल बता रहा। साले दिख मत जाइए, उन्हें तो खाल उधेड़ दो तुम्हारी। अरे बेटी तू कैसे जाओगी अब? तुम कैसी बात कर रहे हो? यू लोंडिया जाता है, यू कहाँ जाएगी अकेली? जब इसे उमेश अपने साथ भगा लाया तो अब तो इसे हमें ही रखना पड़ेगा अपने घर में। और मम्मी जी उमेश? अरे आ जाएगा वो चौदह भी, वो कहाँ जाएगा? और 2-4 दिन में आ लेगा वो भी यहीं। तो क्यों चिंता कर रही है बेटी? अब तू घर चल। चलो